फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स एंड ट्रिक्स। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा कि पजल को सॉल्व कैसे करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसे बनाते कैसे। इसके लिए आपको पर और उसे तीन हिस्सों में डिवाइड कर देना है, 1, 2 और 3। सिमिलरली इसकी चारों साइड्स को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद हम इस पर डॉट्स लगा लें ताकि हमें लाइंस ड्रॉ करने में आसानी हो। अब हमें इसे डायगोनली भी डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद स्क्वायर के इस कॉर्नर से हम एक छोटा स्क्वायर बना लेना है। मैंने जो स्क्वायर लिया है वो टोटल 9 सेंटीमीटर का है। इट मीन्स अब मैं जो स्क्वायर बनाऊंगी वो होगा 3 सेंटीमीटर का, क्योंकि हमने इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। आप चाहे तो बड़ा स्क्वायर भी ले सकते हैं, पर ध्यान रखिए इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना ना भूलें। इन लाइंस को ज्यादा डार्क ना करें। अब हमें एक डायगोनल लाइन बना लेनी है, और जैसा कि मैंने कहा कि वो लाइन ज्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए। लाइन जितनी फेड रहे उतना अच्छा है, अदरवाइज वो आपके पजल में उठकर दिख सकती हैं। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के आपको एक स्ट्रेट लाइन डाल लेनी है। मेक श्योर की लाइन डायगोनल के उस पार ना जाए। अब हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, बट ये लाइन डायगोनल से क्रॉस करते हुए बना लेनी है। अब हमें डायगोनल की इस लाइन जिसे हमने पहले फेड रखा था उसे थोड़ा डार्क कर लेना है। अब मैं आपको इसकी सभी लाइंस को अच्छी तरीके से डार्क करके दिखा दूंगी ताकि आपको समझ में आए कि इसका फाइनल टच कैसा होगा। और ये रहा इसका फाइनल टच। अब हमें इसे पार्ट्स में कट कर लेना है। कट करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी लाइंस कटी है वो शार्प और स्ट्रेट। अगर ये लाइंस टेढ़ी मेढ़ी कटती है तो इससे हमारा पजल टेढ़ा मेढ़ा बनेगा और वो खराब दिखेगा। और अब ये फाइनली पूरी तरीके से कट चुका है। इस पजल को 2 अलग तरीके से सॉल्व कैसे करना है ये तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। अब आप भी इसे अपने घर पर ट्राई कीजिए और अपने भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। लेट्स सी वो इसे सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। अगर आपको ऐसे और पजल बनाना सीखने हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।